नमस्कार मैं हूं आपके साथ उमा शर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मीडिया दरबार के चैनल में मीडिया दरबार में मीडिया दरबार में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अनूप खन्ना जी जो न, न, जिनके चर्चे न केवल देश में बल्कि अब विदेशों में भी चर्चे हो रहे हैं आपके और जिनकी मतलब जुनून और मेहनत को देखकर छोटे बड़े सब लोग मतलब इतने प्रभावित हो रहे हैं आपके उससे कि जितना आपने करा है जो आपने करके दिखाई है वो अभी हम आपको बताते हैं पूरा मिलवाएंगे उनसे और बताएंगे कि उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या क्या खास किया है जिसकी वजह से आज हम उनका इंटरव्यू के लिए यहाँ पर आए हैं तो हम सर सबसे पहले आप ये बताइए कि कैसे हैं आप <laughs> बस कोरोना काल में जी रहे हैं सब लोग मास्क लगा रखा है और आज आपने उतरवा दिया मास्क फिर से लौट चुका है कोरोना माइल्ड हाँ, है और भगवान सबको स्वस्थ रखे सुखी रखे यही हमारी शुभकामनाएं तो अब हम आपको बताते हैं अनूप खन्ना जी के बारे में आज हम इनसे मिलने आए हैं और ये इन्होंने शुरुआत करी है दादी की रसोई की तो जो दादी की रसोई नाम पड़ा हम सबसे पहले यही पूछेंगे कि इस रसोई का नाम दादी की रसोई क्यों है एक्चुअली हम सोशल वर्क बहुत पहले से करते आ रहे हैं मेरे फादर फ्रीडम फाइटर थे तो कहीं पर भी कुछ होता था तो हम लोग मतलब पापा की प्रेरणा हमेशा रहती थी कि तुम मैं दुकान संभाल लो तुम ये करके आओ जैसे बिहार में बाढ़ आई तो मैं बिहार चला गया था पूर्णिया के आगे एक बनबन -बन की जगह है वहाँ जा के के आया था उत्तराखंड में 16 तारीख़ की रात में हुआ था केदारनाथ वाला हादसा 20 तारीख़ में मैं पहुँच गया था वहाँ पर यहाँ से नेचुरल एक लोगों का सहयोग था एक मंच सा बन गया था काफ़ी लोग हमसे जुड़ गए थे तो चलता रहा इसी बीच में एक बार मम्मी की थोड़ी सी तबीयत खराब थी तो मम्मी ने वैसे ही मजाक में कहा कि मेरे हिस्से का खाना किसी गरीब को खिला दिया करो अच्छा। तो हम लोग हंसने लग गए हमने कहा आप खाता कितना हो भाई अगर चिड़िया <laughs> भी नहीं खाएगी उतने का खाना तो बच्चे बोले पापा आप इतने इधर उधर सोशल काम करते ही हैं एक दादी की इच्छा है तो दादी का नाम से एक दादी की रसोई शुरू करते हैं तो नाम भी पड़ गया सब कुछ हो गया तो बातों बातों में डाइनिंग टेबल पर बैठे थे हम लोग तो ये डिस्कस हुआ कि क्या करा जाए दाल चावल और अचार से शुरुआत करने का फ़ैसला हुआ अब ये बनेगा कैसे ये एक बड़ा सवाल था तो एक हमारे भरा में ही होटल है तो उसका एक कुक था मैंने उसे बुलाया मैंने कहा यार ऐसे ऐसे मेरी मदर की इच्छा है दो घंटे तू सवेरे पार्ट टाइम में से कर दिया कर तो उसने कह दिया तो ये इस तरह से कारोबार शुरू हो गया अब मेरा एक शुरू से मानना है कि अगर आप कोई भी अच्छा काम करना चाहते हैं तो भगवान ऊपर वाला अपने आप रस्ते दिखाता है और मैं कर रहा हूँ ये भी गलत बात है एक पूरी टीम से बन जाती है हम लोगों की वो टीम करती है और दूसरा कराने वाला ऊपर वाला होता है वो बानक बनाता है उसने मुझे चुना और मैंने करा अच्छा तो इसकी शुरुआत आपने कब से मतलब कितने साल हो चुके हैं दादी की रसोई इक्कीस अगस्त दो हजार पंद्रह को हमने इसकी शुरुआत करी थी तो आज मेरे साल के आसपास हो रहा है तो लगभग साल का टाइम हो चुका है और इस टाइम ये जो दौड़ चल रहा है इतनी भागा दौड़ी का हम जैसे लोग आप जैसे लोग हमेशा भागा दौड़ी या पैसों के पीछे ज्यादा आजकल लोग मतलब रह रहे हैं लेकिन आप आपने मतलब जो भूखों को खाना जो दिया है और उनकी जो दुआ कमाई है आपने तो वो जो आपने आशीर्वाद लिया है ये चीज़ सभी लोग मेरे से कहते हैं मैं इन बातों को बहुत कम मानता हूँ मैं कहता हूँ मैं अपना गीता वाला बहुत अच्छा ज्ञान है कि कर्म करे जाओ फल की चिंता ही मत करो मैं एक काम कर रहा हूँ अच्छा है बुरा है वो मेरे को नहीं मैं जिस काम को कर रहा हूँ डेडिकेशन के साथ करूँ आप जैसे यूथ को भी मैं कहता हूँ अपनी सेटिस्फैक्शन की लिमिट फिक्स कर लो और फिर उसे डेडिकेशन के साथ में करो और जब तक उस गोल को अचीव ना करो ये स्वामी विवेकानंद ने भी बोला है मतलब सब चीज़ों का निष्कर्ष यही आता है कि आप एक मिशन बना लो और उसको पूरा करने की कोशिश करो और अर्जुन की तरह से सिर्फ आंख में निगाह रखो अगर वहीं तक तुम्हारी निगाह है तो आप सक्सेस तो झक मार के अपने आप आएगी वो पिक्चर में तो भी आपको बताया गया है और सबसे बड़ी खासियत क्या रही है जो हमने पहले दिन से मिशन करा था कि नागा नहीं करेंगे एक तो डेली करेंगे दूसरा हमने कहा एक जगह फिक्स करेंगे हम और की तरह से नहीं करेंगे आज हमने यहाँ बांट दिया आज हमने वहाँ बांट दिया शुरू से मानना है प्यासे को कुएं के पास आना ही पड़ेगा कुआँ प्यासे के पास क्यों जाए उससे वेस्टेज नहीं होती है जिसे भूख लग रही है वो आएगा तो पूरा आखिरी कण तक वो उसका दाने का वो पूरा खा के जाता है हमारे यहाँ वेस्ट बिल्कुल नहीं होता है तो ये छोटी छोटी सी बातें हम लोगों ने ध्यान दी है यहाँ पर अच्छा जब आपने शुरू करने का सोचा कि चलिए हम शुरू करते हैं लोगों को दाल चावल से स्टार्ट करेंगे तो कुछ तो आपको कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा होगा कहीं ये दिक्कत आ गई या कहीं वो दिक्कत आ गई ऐसा भी कुछ हाँ नेचुरल है लाइन नहीं थी लेकिन आ, मेरा शुरू से एक चीज़ और भी मानना रहा है कि मैं कोई बिजनेस भी करता हूँ कुछ करता हूँ तो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से सारे काम सीख लेता हूँ झाड़ू लगाने से लेके सारी चीजें तो सेम दादी की रसोई में हुआ था तो मैं कुक के साथ बैठ के मैंने इस घर में कभी प्याज भी नहीं छीला था कुछ नहीं तो प्याज उल्टा सीधा कट गया अरे तो गलना तो ही है ही नहीं जब आप उबालोगे तो सारी चीज़ गल जाएगी सब्जी भी कैसे कर लो सेम रोटी सेकने के साथ हुआ मेरे को नहीं बेलनी आती थी मैंने बेलना शुरू करा तो कभी भारत का नक्शा बनता था कभी यूरोप का नक्शा बनता था लेकिन समझते थे कि मैंने कहा खाने के काम आ रही है चाहे ऐसे खा लो चाहे गोल खा लो तो यहाँ खड़े होकर सब मजाक करते थे जिस टाइम थे बोले अंकल ये लगता है आपके हाथ की बनाई हुई है मैंने कहा तो बोले आज इस खाने में मज़ा रोटी में बड़ा अलग से ही मज़ा आ रहा है क्योंकि अलग स्टाइल की बनी हुई है डिफरेंट शेप की धीरे धीरे वो गोल बनानी भी आ गई फिर वो फुल्का उतारना चढ़ाना सब चीज़ तो काम सीखा और कभी कु बता एक आध लड़का हमारा हेल्पर नहीं आता था तो मैं लग जाता था उसके साथ तो ठीक है आपको मज़ा आना चाहिए ये छः साल से साढ़े छः साल से ऐसे ही नहीं चल रहा आप जब तक अपने काम को एंजॉय नहीं करेंगे आज इतनी ठंड हो रही है और मैं तो सोच रहा था पता नहीं तुम लोग आयो कैसे हो लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम लोग अपना काम एंजॉय कर रहे हो इसलिए आए हो जिम्मेदारी तो एक अलग चीज़ हो जाती है लेकिन इन्जॉयमेंट भी ज़रूरी है और जैसा आपने कहा मैं कई लोग मेरे आते हैं आपने पुण्य कमा लिया आपने फलाना कर लिया अरे मैं अपना आज देख रहा हूँ कल किसने देखा है ना आज को मस्ती के साथ जियो अपना जो मिशन है उसे हंड्रेड परसेंट दो और सक्सेस और ये चीज़ें जो है अब लोग मेरे से कहते हैं पूरी दुनिया में आप फेमस हैं करोड़ों लोग आपके फैंस हैं मैंने कहा मुझे कहाँ देखते हो मुझे तो यहीं देखते हो ना यहाँ से बाहर क्या हो रहा है मुझे तो ये भी नहीं पता सुबह आठ साढ़े आठ से खाना बनना शुरू होता है फिर तीन बज जाते हैं तीन से पांच मेरा गोल्डन पीरियड होता है आई I मीन mean सोने का समय अच्छा, गोल्ड रिलेटेड टू <laughs> सोना अच्छा, वो भी जरूरी है नहीं थक इतना जाते हैं सोए से भाई पाँच सौ आदमी का खाना है रोटी भी है रसगुल्ला भी है पेड़ा भी है फ्रूट्स भी है फ्रूटी भी, भी है मंच भी है बच्चों के लिए तो ये ब्या बरात का खाना हो गया ना इतना तो कोई हलवाई नहीं बनाता जितना हम रोजाना दे रहे हैं हम रोजाना एक शादी कर रहे हैं एक तरह से धीरे धीरे आपने काफ़ी <laughs> चीज़ों को ऐड कर दिया है मैंने नहीं करा जब लोग जुड़ने शुरू होते हैं तो हाँ। वो चीज़ें ऐड होती है अब पहले हम सड़क पे लगाते थे फिर हमने ये एयर कंडीशन ये लिया है हाँ। ये अगले साल से ये मैंने ए लगवा दिया टीवी लगवा दिया या म्यूजिक सिस्टम है रैक्स है यहाँ पर खड़ो होकर सब अंदर खाएंगे और गर्मी के लिए हमने अस्सी लीटर का एक वाटर कूलर लगा रखा है रुआ के लिए कैंस लगवा दिए हैं कि अपना उसमें चीनी डाली रुआफा डाला और शर्बत भी पियो तुम लोग मतलब एक तरह से आप रेस्टोरेंट का थोड़ा मज़ा देना चाहते आ, हैं पाँच रुपये में उन्हें फाइव स्टार क्वालिटी का जब हम खाना दे रहे हैं देसी घी का खाना है बासमती चावल है तो खाना देना कोई मुश्किल काम नहीं है मैं मत एक स्टेज के बाद में बट बेहतरीन क्वालिटी का अच्छी क्वालिटी का विद इतनी सारी वेरायटी के साथ में ये देना बड़ा मुश्किल काम है और ये हमारे साथ जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं तो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं आपके साथ बात करके हमें मतलब अच्छा लगता है जैसे हम आप, आपसे आप बात कर रहे हैं और इस टाइम जो लोग आपको देख रहे हैं और जो लोग आपको पहले ये नहीं कि आपको कोई नहीं जानता इस टाइम आपको हर कोई जानता है और बस मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी आज की जो पीढ़ी है उनको आप एक क्या लेसन देना चाहते हैं मेरे पास आप जैसे जो मेरे करोड़ों फैंस बताए जाते हैं उसमें एट्टी आप जैसे यूथ है मुझे लगता था कि यूथ को ये उम्मीद खत्म हो गई थी कि कुछ इस तरह का कंसेप्ट आएगा इस कंसेप्ट को लेके पूरे इंडिया में तीन चार सौ ब्रांचेस खुल चुकी हैं लोगों ने अपने अपने हिसाब से शुरू करी है मैं तो जा नहीं सकता खैर कहीं यूथ कहते हैं अंकल हम भी करना चाहते हैं तो मैं हर एक से कहता हूँ एक बात हर यूथ से कहता हूँ कि पहले अपना कैरियर बनाओ क्योंकि करियर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए दूसरा सेटिस्फैक्शन की लिमिट जरूर फिक्स कर लो जिंदगी में आप क्या करना चाहते हैं और एक बार उसे अचीव कर लिया तो उसके बाद में आप मेरे जैसी लाइन में जरूर उतरिए जो समाज से आपने लिया है वो समाज को वापस करना बहुत ज़रूरी है वरना हमारे जो संस्कार है मैंने अपने बुजुर्गों से संस्कार लिए हैं अब मैं बुजुर्ग हो रहा हूँ तो मैं आपको संस्कार दूंगा जब आप बुजुर्ग होंगे तो अपने बच्चों को तो वो संस्कार चलते रहने चाहिए नंबर वन आप ये सोच लो कि मुझे एक चैनल खोलना है आपकी सेटिस्फेक्शन लिमिट चैनल खुलते ही खत्म उसके बाद मत कहो कि मुझे दो चैनल और खोलने फलाना और करना फिर तो कोई एंड नहीं है ना मैं जब नोएडा में आया था एक टूटा सा स्कूटर था मैंने भगवान से मांगा एक मकान हो जाए एक दुकान हो जाए बच्चे सेटल जाए, हो जाएं शादियां हो जाएं भगवान ने सब दे दिया अब भगवान भी कहते हैं बेटा लाइन से हट जाते हैं पीछे बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है <laughs> तो मतलब भगवान से जो मांगा मिल गया है तो अब मेरे को समाज को देना चाहिए इसी को आप संन्यास कह सकते हो इसी को आप आ, दूसरे रूप का एक सन्यासी है अच्छा अब तक जितनी हम बात कर रहे हैं मुझे तो अब ये अंदाजा तो होगा कि आपको ना इस काम में बहुत मजा है एंजॉय है आपको हाँ, आपको हर काम में एंजॉय करना चाहिए जो आप कर रहे हैं मिशन जो भी ले रहे हो उसमें एंजॉय नहीं कर रहा तो फिर वो काम नहीं होता वो तो फिर मैं हर एक से कहता हूँ इस बात को कि अगर आप आ, कोई भी अगर आप गाड़ी तेज चला रहा हो तो माइकल शिमोकर बनो ना आई मीन टॉप पे जाओ उसमें साइकिल तेज चलाने का शौक है तो साइकिलिंग में घुस जाओ तुम किसी भी चीज को करो परफेक्शन के साथ में करो दिल से काम करो डेडिकेशन के साथ में करो सक्सेस हमेशा मिलेगी आपको अच्छा और हमें आपके जब बारे में हम पढ़ा हमने जाना तो हमने ये भी पता चला कि बीते साल प्रेसिडेंट द्वारा आपको सम्मानित किया गया है तो वो फीलिंग कैसी थी आपकी नहीं नेचुरल है जब इतने कोविंद जी जैसे मतलब वो एक जिंदगी का वो क्षण मेरे को आज भी नहीं भूलता है कि हाँ जो हम जा रहे थे हम बहुत ज़्यादा नर्वस थे हम कैसे मिलेंगे क्या होगा उन्होंने इतना ज़्यादा हौसला अफजाई करी और उन्हें हमारा कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा उन्होंने बहुत अच्छा टाइम दिया हमारे साथ फ़ोटो वोटो भी खिंचवाई और कंधे में हाथ रख के उन्होंने कहा बहुत अच्छा कहा तो ये ये जो बड़े लोग करते हैं ना तो ऐसे ही बड़े नहीं बन जाते और उनका जो सिर्फ कंधे पे हाथ रख के हौसला अफजाई है वो मेरे ख्याल है वो अब तक चल रहा है इस बात को लेके कि मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास हुआ कि भारत के राष्ट्रपति जी ने एक भरोसा मेरे ऊपर जताया है तो उस भरोसे पे खरा उतरना है तो ये बड़ी बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है आप लोगों के सामने तो अच्छा लगता है अमिताभ बच्चन जी ने बुलाया के में बुलाया तो ये जब बड़े बड़े मंच होते हैं रिचा अमृत जी ने इसके ऊपर एक पूरा एपिसोड बनाया गौरव चौधरी जी हमारे वहाँ से आए थे दुबई से वरुण पृथ्वी जी के तो मेरे ख्याल फोर्टी फाइव फोर्टी सिक्स मिलियन इसके हम एपिसोड के फॉलोअर्स हैं तो ठीक है जब लोग अप्रीशिएट करते हैं और इतने बड़े बड़े लोग आप जैसे लोग सब जने आते हैं तो लगता है कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं और इसका प्रचार प्रसार और मैं तो नहीं जा सकता देखिए यहाँ छोड़ के लोग मुझसे कहते हैं कि आप बॉम्बे आ जाइए इधर आ जाइए मैंने कहा मैं यहीं खुश हूँ <laughs> पता लगा कि इधर उधर के चक्कर में ये भी छूट जाएगा तो जो काम कर रहा हूँ मैं यहीं तक सीमित हूँ और इसका प्रचार प्रसार आप लोग करिए देश में जगह जगह इसकी ब्रांचेस खुले ऐसी मेरी दिली तमन्ना है अच्छा तो आपका आगे का कुछ प्लान है इसको और कुछ लेके और यहीं आपको बस मैं अपनी मैं मैं लाइन यहीं खींचता रहूँगा और आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग इससे लंबी लाइन करिए इससे छोटी लाइन करिए मैं यहीं बैठे बैठे अपनी लाइन खींच सकता हूँ तो एज फैक्टर भी आ जाता है ना आज मैं इतना काम फैला लूँ फिर पता लगा मैं नहीं कर पाऊँ तो इससे अच्छा है कि मैं जो कर रहा हूँ उसको वहीं तक करके और एक एग्ज़ाम्पल सेट कर दूँ और उसको आप लोग सब फॉलो करें और जो लोग फॉलो कर सकते हैं करें वरना आप लोग प्रचार प्रसार करके एक सेट एग्जाम्पल हो जाएगा कि इस तरह से भी बगैर पैसे के लोगों के सहयोग से ऐसे काम हो सकते हैं तो दोस्तों आप सुन रहे थे जैसे कि अनुप खन्ना जी को उनसे इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली अमिताभ बच्चन जी से वो मिल चुके हैं <laughs> प्रेसिडेंट से टंडन जी भी थी हाँ साथ ही रवीना टंडन <laughs> जी भी साथ में थी और उन्होंने प्रेसिडेंट जी जो हैं हमारे हैं रामनाथ कोविंद तो उन्होंने अप्रिशिएट किया है आपको काफ़ी उनका तो आशीर्वाद मेरे लिए मतलब आप समझिए कि सबसे बढ़कर है प्रेसिडेंट मोदी का जो आशीर्वाद था और इतना मॉरल बूस्ट करा उन्होंने कि मैं आज तक नहीं भूला और आज भी जब कई बार नर्वसनेस होती है या कुछ होता है कोई मुसीबत आती है तो उनका आशीर्वाद मेरे काम आ जाता है मतलब जो उन्होंने 2020 में आशीर्वाद आपको दिया वो आपका लंबे समय तक आपके साथ है, है। चलेगा बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल हमेशा और बड़े लोगों का आशीर्वाद मान लो मैं आपको आशीर्वाद दूंगा वो हमेशा लंबा चलेगा बिल्कुल हमें बात करके खुद आपसे अच्छा लगेगा मतलब एक बात करेंगे ना पॉजिटिविटी जो आती है ना वो बिल्कुल अंदर हमारे आ चुके हैं और हम यही उम्मीद करेंगे कि जो लोग हमें देख रहे हैं वो भी मतलब कि कुछ सीखें आपसे कुछ सीखें और लाइफ में कुछ ऐसा जरूर करें हमें बहुत अच्छा लगता है कि जो लोग नहीं खा पाते या जिनको नहीं मिल पाता ऐसे उन्हें सिर्फ आप पांच रुपए में देसी घी से बना दाल चावल साथ में मीठा या कुछ ऐसा आप कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि आप सिर्फ खाना ही नहीं कपड़े और मेडिसिन पुराने लेते हैं वो धोखे प्रेस करा के मंगाते हैं वो आगे दे देते हैं इस इन सब में कुछ नहीं जाता मैंने बताया ना मंच बना दिया अब तीस हजार चालीस हजार पचास हजार अब करोड़ों में संख्या आ गई है लोग जुड़ते जा रहे हैं सामान आता है सामान बांट देते हैं अब ये जैकेट वगैरह मेरी जब पुरानी हो जाएगी तो इतनी महंगी जैकेट्स हैं एक रिक्शा वाले को मिलेगी तो उसके लिए तो ये जैसे आप सेकेंड हैंड मर्सिडीज खरीद लीजिए हाँ। रहेगी तो मर्सिडीज ही ना हाँ। <laughs> <laughs> ये आपने बिल्कुल सही कहा तो आप साथ में मेडिसिन और ये प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के नाम से दवाई की दुकान है गवर्नमेंट शॉप है बहुत सस्ती दवाई है ये मैं आपके माध्यम से कहूँगा पूरे देश में इसकी सात आठ हज़ार ब्रांचेस हैं हर शहर के अंदर है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र बहुत अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन हैं एक बार यहाँ से दवाई जरूर लें जो बाजार में बारह रुपये की गोली है यहाँ पर दो रुपए की मिलती है आपके घर का बजट अगर दस हज़ार है तो यहाँ दो हजार रुपये आ जाएगा तो हमारा कंसेप्ट है रोटी कपड़ा और दवाई पाँच रुपये में खाना दस रुपये में कपड़े और सस्ती दवाई अंडर वन रूफ अच्छा तो ये आप हमने सुना कि पाँच दस रुपये आप इसलिए ले रहे हैं कि उनकी भावनाओं को हाँ मैं शुरू से फ्री और मेरा अपने निजी राय है कि किसी को रिजर्वेशन भी नहीं देना चाहिए क्योंकि हम उसको बल्कि काम दें चीज़ें सस्ती कर दें तो कोई मांगता ही नहीं है मेरे यहाँ कोई भी नहीं ना कोई रिज़र्वेशन वाला है ना कोई भीख मांगने वाला है वो कहता है मैं पाँच रुपये इतना सस्ती चीज़ मिल रही है कपड़े मिल रहे हैं दवाइयाँ मिल रही हैं मैं क्यों बताऊँ कि मैं कौन हूँ फलाना हूँ मुझे क्यों चाहिए अगर आप सिस्टम को सुधार देंगे तो शायद ये हमारी जो विसंगतियाँ हैं सबको एक मान लिया जाएगा कोई बताएगा ही नहीं कोई चाहेगा भी नहीं कि मैं इसमें कुछ मांगू आपसे तो ये मेरा अपना एक सोचने का नज़रिया है तो इसलिए हमने उनके स्वाभिमान को ध्यान में रखते हुए पाँच रुपये रखा कपड़ों का दस रुपये रखा और सस्ती दवाई दी और हम सुन रहे हैं कि जो जिन लोगों के जो गरीब होते हैं शादियाँ होती हैं तो आप लहंगे भी उनको करते कर जैसे जिसकी शादी मेरे पास बीस पच्चीस लहंगे कुर्ते हैं और शेरवानीज हैं तो शादी में एक ही दिन यूज़ होती हैं तो वो यहाँ दे जाते हैं तो उनको हम लोग आपके माध्यम से फिर एक बात कहना चाहूँगा चाहे आप करोड़पति भी हैं एक दिन के लिए एक लाख रुपए क्यों खर्च कर रहे हैं इस एक लाख को उसके बदले गोल्ड दे दें लड़की के काम आएगा और यहाँ से कपड़े ले जाएं अगर आप बॉम्बे से भी आना जाना भी करते हैं तब भी आपको एक डेढ़ लाख रुपये का जो सूट है तो वो सस्ता पड़ेगा वापस ज़रूर लेता हूँ क्योंकि कोई बेचे ना इसे तो कहीं से भी आप पूरे देश में आते हैं और यहाँ से लेके भी जाते हैं तब भी आपको बहुत सस्ता पड़ेगा ये और उस पैसे को बचा के आप लड़की को गोल्ड दें शादी में वो ज़्यादा अच्छा है उसकी ज़िंदगी में किसी काम आएगा वरना एक दिन के लिए तो कोई फ़ायदा नहीं है तो वाकई हमें भी बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा और हम भी हमने भी आपसे बहुत कुछ सीखा और हम जाएंगे कि आप लोग भी सीखें तो आपने जैसे कि एडवाइस दे दिए आज के यूथ को कि उन्हें एक डेडिकेशन के साथ काम करना चाहिए और एक सेटिस्फैक्शन की लिमिट ज़रूर फिक्स करनी चाहिए मुझे ज़िंदगी में क्या करना है और जब उसे अचीव कर लें इतना पैसा कमा लें सारी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए सेकेंड इनिंग बहुत अच्छी रहती है अब मेरे पास जिम्मेदारी नहीं है आप लोगों की उसमें शादी भी करनी है फिर बच्चे सेट करने हैं मकान बनाना दुकान बनानी इतनी टेंशन है भगवान की के द्वारा समय मेरे को कुछ करना नहीं है जो आ रहा है अपना समाज के लिए खर्च कर सकते हैं हम लोग तो दोस्तों ये थे हमारे साथ अनुप खन्ना जी और मीडिया दरबार की तरफ से हम बस यही कहेंगे कि इनका काम जो ये दादी की रसोई चला रहे हैं यहाँ पे वो ऐसे ही हमेशा चलती रहे आपके मतलब और सपोर्ट आपको मिले इसी तरह से और ये खूब आगे बढ़े और लोग हमेशा जो भूखे रहते हैं जिनको नहीं मिल पाता कपड़े या मेडिसिन या खाना तो आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर इसको खाएँ और और लोगों को भी बताएँ तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिल हमको तो आपका बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए